अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मगफिरतुहु। वेलकम टू SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट इंग्लिश 2 ग्रामर लैंड रिवीजन सेशन। मैं आपको पेपर स्टाइल जो ब्लू प्रिंट है इंग्लिश 2 की, वो आपको मैं बाद में देती हूँ राइट डाउन कर। सो फर्स्ट हम पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि किस तरह से ब्लू प्रिंट होगी। ओके, सो फर्स्ट इज आपको आपका पेपर 50 मार्क्स का है, 2 आवर्स दिए जाएंगे आपको। दूसरा, हर 5 क्वेश्चन आंसर होंगे, 5 क्वेश्चन मेन होंगे, 10 मार्क्स के 10 मार्क्स कंटेन करेगा 1 क्वेश्चन, और उसमें 2 सेक्शन है ए और बी 5-5 मार्क्स का। ओके, सो इसी तरह 5 मेन क्वेश्चन है 10-10 मार्क्स के, और वो 5-5 मार्क डिवाइड होंगे। सो आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है या पेपर कैसा होगा, ओके, सो आइडिया दे सकती हूँ मैं आपको। सो आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस नाउन्स। आपका जो एक चैप्टर है उसमें आपको नाउन्स दिए गए हैं, प्लूरल नाउन, आपको प्लूरल नाउन लिखने हैं। तो इसी तरह से पहला जो अगर एग्ज़ाम में हो सकता है तो कभी ऐसी एक्सरसाइज हो सकती है कि भाई प्लूरल नाउन आप लिखिए। ओके, जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है पोटैटो पोटैटो, सिटी सिटीज, शॉर्ट शॉर्ट्स, वुल्फ वुल्व्स, पोनी पोनीज, सीजर्स सीजर्स, फॉक्स फॉक्सेस, वेबर रेगुलर और इरेगुलर बोथ प्लूरल नाउन। ओके, देन वी सी दैट के हमने कलेक्टिव नाउन्स वाला चैप्टर किया था, तो कलेक्टिव नाउन्स वाले चैप्टर में भी हमको जैसा ए बी कॉलम दी गई है, इस तरह से दी जा सकती है कि जिसमें आपको ए में पूरी कलेक्टिव नाउन दिया गया है, उसका आंसर बी में दिया है, तो आपको उसको लिखना है और मैच करना है। लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अ क्लच ऑफ एग्स, अ ग्रो ऑफ ट्रीज, अ ब्रॉड ऑफ हैंड, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। ओके, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स टू कम्प्लीट दिस सेंटेंस। ये आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं कि कोई भी ब्रैकेट में आपको वर्ब्स दिए है, लिंकिंग वर्ब्स दिया है, या तो फिर रेगुलर वर्ब दिया है, या पास्ट टेंस दिया है, या प्रेजेंट टेंस दिया है, आपको सही क्या है वो चूज कर लिखना है। जिसमें इस तरह इसमें दिया गया है अ ह्यूज स्वार्म ऑफ लॉक्टर्स ब्लैंक डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, बराबर स्वार्म ऑफ लॉक्टर्स, सो हियर वी यूज हैज क्योंकि कलेक्टिव नाउन्स है। द क्राउड ब्लैंक डिसपियर्स्ड नाउ, तो क्राउड कलेक्टिव नाउन, सो हियर वी यूज हैज। द पैक ऑफ डॉग्स ब्लैंक रनिंग ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो यहाँ पर डॉग्स है, ओके, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स है, ये डॉग्स दिया गया है। बहुत सारे जो कुत्ते होते हैं उनके झुंड, तो यहाँ पर वेयर होगा। इसी तरह आपको एक्सरसाइज में कहीं से भी कुछ भी दिया गया होगा आपको करना है। ओके, आफ्टर दैट हमको एक्सरसाइज आप ये एडजेक्टिव भी सीख गए हैं, एडवर्ब भी सीख गए हैं, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू कम्प्लीट दिस सेंटेंस। आपको एक्सरसाइज में जो ब्रैकेट है उसमें दिया गया है, आंसर दिए है, उसमें से पर्टिकुलरली कोई एक चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैवन गॉट ब्लैंक स्ट्रॉबेरीज एट द मोमेंट, सो हियर सम और एनी दिया है, तो वी यूज एनी हियर। देर आर जस्ट ब्लैंक अ लिटल और अ फ्यू चॉकलेट इन द बुक्स, अ फ्यू बराबर काउंटेबल है, दैट्स वाई वी यूज अ फ्यू। आई वुड लाइक ब्लैंक जूस प्लीज, आई वुड लाइक सम जूस प्लीज। ओके, सो इस टाइप की एक्सरसाइज आपको दी जा सकती है कि जिसमें आपको ब्रैकेट में दिया गया हो, एक साथ दिए गए हो, या ब्रैकेट में अलग अलग इंडिविजुअल्स दिए गए, आपको आंसर्स में से करेक्ट आंसर चूज करना है। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड जो है ब्रैकेट में दिया है, आपको प्रॉपर वर्ड रखना है। फॉर एग्जांपल, माउंट एवरेस्ट इज ब्लैंक माउंटेन इन द वर्ल्ड, सो हियर वी आर गिवन हाई इन ब्रैकेट, सो वी राइट डाउन द हाईएस्ट। हु इज ब्लैंक मेंबर इन योर फैमिली, यहाँ पर दिया है यंग, सो वी पुट द यंगेस्ट। ओके, इसी तरह से ऐसी एक्सरसाइज सुपरलेटिव वाली भी एक आ सकती है। आफ्टर दैट प्रोनाउन है, प्रोनाउन में भी आपको इसी तरह से दिया गया है कि आई हैव गिवन ब्लैंक अ वीक टू कम्प्लीट दिस वर्क,
सो आई हैव माई सेल्फ और अवर सेल्फ. सो आई है तो हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रखेंगे माई सेल्फ. शी टॉट ब्लैंक हाउ टू बैक. शी है सो हियर वी यूज हर सेल्फ. हमने आगे बॉक्स जो हमने किया था उसके अंदर मेंशन किया हुआ है. दे हैव कन्विंस्ड ब्लैंक दैट दिस वॉन्ट वर्क. दे है सो हियर कन्वर्टेड इन टू धैम सेल्फ. आफ्टर दैट हमें एडजेक्टिव सेंटेंस में दिए गए हैं और वो कौन से काइंड ऑफ के हैं, वो कौन से हैं, वो हमें लिखना है यहाँ पर. व्हाट गेम आर दिस बॉयज प्लेइंग. तो सो व्हाट डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव और दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव. द थ्री मशीन आर मेकिंग एन ऑफुल नॉइस. सो थ्री काउंटेबल सो हियर न्यूमरल एंड ऑफुल दैट मीन्स के डिस्क्रिप्टिव. ओके देर आर 11 प्लेयर इन द टीम. सो यर न्यूमरल क्योंकि नंबर है. आफ्टर दैट 7 पे देखते हैं. देर इज नॉट मच वाटर इन दिस जग. सो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एंड मच इज क्वान्टिटी. ओके सो इसी तरह से आपको करना है. नाउ एफोस्ट्रोफी देख लेते हैं, एक एक्सरसाइज उसकी भी है. एफोस्ट्रोफी कब यूज़ करेंगे, जब पोजिशन नाउन होगा जब हम यूज़ करेंगे एफोस्ट्रोफी. ओके किसी का, किसी की कोई चीज़ है वो उसके साथ बिलोंग करनी है तो बिलोंगिंगनेस के लिए भी हम एफोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट इज श्रेयास फ्रेंड लिव्ड इन द नेक्स्ट फ्लैट. लिव्स इन द नेक्स्ट फ्लैट. सो यहाँ पर फ्रेंड है किसकी, है श्रेयास की. सो हम एफोस्ट्रोफी एस लगाएंगे. वेर आर द गर्ल्स ड्रेसेस. सो हियर ड्रेस बिलोंग्स टू गर्ल्स. बराबर सो हियर गर्ल्स जो है वहाँ पर मैंने आप देख सकते हो कि एफोस्ट्रोफी एस रखा हुआ है. वुमेन्स क्लोथ्स आर सोल्ड ऑन द सेकेंड फ्लोर. क्लोथ्स बिलोंगिंग्स टू वुमेन्स, स्पेशल फॉर वुमेन. ओके प्लीज़ ब्रिंग द स्टूडेंट्स बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी. हियर बुक्स बिलोंग्स टू स्टूडेंट्स. सो हियर वी पुट एफोस्ट्रोफी एस इन द ऑन द वर्ड स्टूडेंट्स. I am wearing my sister's dress today. So sister's dress किसका है, sister का है. So here we put apostrophe s after sister. Renu wasn't present at the function. बराबर was not, जब भी apostrophe s use होगा. I don't have to wash the car today. Don't. Can you see that building? That's my father's office. That is abbreviation verb करेंगे. That's हो जाएगा. My father's office belongs to father. That's why. There's a beautiful park behind my uncle's house. बराबर this park belonging to the house of uncle. So यहाँ पर uncle होगा. ये exercise apostrophe वाली करनी है. और हाँ आपको एक ऐसे पूछाने वाला है, ऐसे वो मैं करा दूँगी आपको ऐसे. तो वो ऐसे आपको मैं टॉपिक दे दूँगी, आपको वो करना है. ओके अच्छे से करना. 1, 2, 6 चैप्टर कोमा पंक्चुएशन मार्क्स, सॉरी, जिसमें कोमा और एपोस्ट्रोफी भी करना है और रिवीजन भी करना है. ओके सो फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक.